गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट। बीएससी पार्ट सेकंड, बीएससी पार्ट सेकंड की आज की ऑनलाइन क्लास में अपन पॉलीमर टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए आज अपन देखते हैं पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर पिछली ऑनलाइन क्लास में आपने देखा था कि जो पॉलिएस्टर होता है वह डाइऑल व डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के पॉलीमराइजेशन से प्राप्त होता है, और वहां पर अपन ने टेरिलेन डाइक्रोन पॉलिएस्टर प्राप्त किए थे जो एथिलीन ग्लाइकोल व टर्थेलिक एसिड के कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से प्राप्त किए थे। आज अपन पॉलिएस्टर में ही और देखते हैं, कुछ ऐसे पॉलिएस्टर भी हैं पीटी ईएफ के अलावा, ईपी के अलावा, जिनको भी अपन पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा उसको संश्लेषित कर सकते हैं। यहां पर आज अपन देखते उन्हीं में देखते हैं जैसे कोडेल और लेक्सेन, ये भी एक टाइप के पॉलीमर होते हैं। तो देखिए इनका किस तरीके से अपन सिंथेसाइज करते हैं। यहां पर देखिए ये मैथिल टर्थेलेट है, और यहां पर भी ये मैथिल टर्थेलेट, इसका अपन रिडक्शन करवाते हैं। तो रिडक्शन करवाने पर ये कंप्लीटली इसमें बदल जाता है OH CH2 CH2 OH, इस तरीके से इसका रिडक्शन होता है। यहां पर ये और ये दोनों एज ए मोनोमर्स की तरह बिहेव करेंगे। तो यहां पर अपन ये देखिए CH3O CO OCS3 plus HO CH2 CH2 OH, यहां पर ये एक मोनोमर है डाइमेथिल टर्थेलेट, और ये एक मोनोमर है, और ये दोनों यहां पर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करेंगे तो यहां पर देखिए ये CH3OH और CH3OH है, इसका एलिमिनेशन होगा यहां पर CH3OH, और इसके एलिमिनेशन से यहां पर प्राप्त होगा CH3O CO CH2 CH2 और OH। तो इस तरीके से यहां पर एस्टर समूह की पुनरावृत्ति हो रही है, और यदि अपन बार बार रिपीटेशन करें इनका, तो बार बार रिपीटेशन करेंगे तो अपने को जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है उसके द्वारा, जिसमें अपन एन ही ये एक कंपाउंड ले लेंगे और एन ही यहां पर बी कंपाउंड लेते हैं, तो यहां पर -N2H2O 2NH2O मॉलिक्यूल्स यहां से एलिमिनेट होंगे और अपने को फाइनली प्राप्त होगा CO
सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच टू सी एच टू ओ एन। तो इस तरीके से यहां पर पॉलीमर का सिंथेसिस होगा। इस पॉलीमर को अपन बोलते हैं कोडेल। ये जो कोडेल है ये एक तरीके का पॉलीएस्टर होता है, और इस कोडेल में भी आप देखिए कि ये जो एस्टर समूह है इसकी बार बार क्या होती है, पुनरावर्ती होती है। तो जैसे अपन ने पॉली एथिलीन टर्थैलेट पीईटीपी है ना, इसका अपन सिंथेसिस किससे किया था, एथिलीन ग्लाइकोल से और टर्थैलिक एसिड से, और यहां पर ये कोडेल है इनका अपन सिंथेसिस डाइमेथिल टर्थैलेट से और ये जो मोनोमर है इसके द्वारा अपन इसको सिंथेसिस करके अपन कोडेल प्राप्त करते हैं। तो कोडेल भी एक तरीके का पॉलिएस्टर होता है, और इसको सूती जो रेशे होते हैं उनके साथ मिला करके भी एक बढ़िया रेशा बनाया जाता है जो अच्छा ड्यूरेबल होता है, और इनका जो व्यापक उपयोग है वो वस्त्र उद्योग में किया जाता है। ठीक है, पॉलीएस्टर के अलावा एक और पॉलीएस्टर में ही एक और नाम है जिसको अपन बोलते हैं लैक्सेन। तो लैक्सेन है उसको भी अपन किस तरीके से सिंथेसाइज करते हैं, तो यहां पर अपन देखते हैं लैक्सेन। तो एक तो इसमें क्या हो गया पॉलीइथाइलीन टर्थैलेट, दूसरा इसमें क्या हो गया कोडेल, और सी है वो क्या है लैक्सेन। लैक्सेन के अंदर अपन देखेंगे लैक्सेन के अंदर क्या होता है, ये भी लैक्सेन भी एक क्या है पॉलीएस्टर है, और इसके अंदर यहां पर बिस्फिनोल ओ एच सी सी एस थ्री सी एस थ्री ये ऐसे, और ये इसको अपन बोलते हैं बिस्फिनोल। और ये जो बिस्फिनोल है इसकी अभिक्रिया अपन फॉस्जिन गैस के साथ में करवाते हैं, तो यहां पर भी एच और सी एल जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है उसका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है, और यहां पर जो पॉलीमर बनता है वो एच ओ सी एस थ्री सी एस थ्री ओ, और यहां ओ के बाद में क्या आ जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ और सी एल। ठीक है, तो ये इस तरीके से, अब यहां पर देखिए एक OH ग्रुप फ्री है और एक यहां पर CCl ग्रुप फ्री है, तो जैसे बिस्फिनोल आएगा तो इसका OH समूह है वो इस Cl से रिएक्शन करके HCl निकाल देगा, और इधर OH है तो इधर फॉस्जिन आएगा तो ये HCl के साथ में रिएक्शन करके ये कर, तो ये जो Cl वाला जो टर्मिनल है वो तो बिस्फिनोल के साथ में पॉलीमराइजेशन करेगा, और OH वाला जो टर्मिनल है वो फॉस्जिन के क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करेगा, और इस तरीके से जो पॉलीमर है उसका संश्लेषण होता जाएगा। तो यदि यहाँ पर अपन ऐसे लिख दें कि N, और N यहाँ पर अपन लिख दें सी एस थ्री ओ एच, और N यहाँ पर अपन लिख दें सी एल CO CL, तो यहां पर ये अल्टीमेटली H हटना ही है यहां से, तो यहां पर CH3 और यहां पर CH3 O CO और यहां पर और ये यहां पर N, ये जो N है ये भी क्या है लैक्सेन है, ये N लैक्सेन है। तो आप यहां पर देख रहे हो कि ये जो लैक्सेन है यहां पर भी OCO
ये जो समूह है एस्टर समूह है, इस समूह की बार बार क्या होगा, रिपीटेशन होगा, पुनरावृत्ति होगी। और जब बार बार इसकी पुनरावृत्ति होगी तो ये भी एक तरीके का क्या है, पॉलीएस्टर है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि पॉलीएस्टर क्या होते हैं, तो पॉलीएथिलीन टर्थैलेट एजे पॉलीएस्टर के रूप में है, कोडेल है वो भी पॉलीएस्टर के रूप में है, और लैक्सेन है वो भी एक पॉलीएस्टर का क्या है, एग्जाम्पल है। और कल आपने देखा था कि पॉलीएस्टर का मतलब होता है कि ऐसे पॉलीमर जिस पॉलीमर्स में जो एस्टर ग्रुप है उस एस्टर ग्रुप की बार बार पुनरावृत्ति होती है और उस पुनरावृत्ति के फलस्वरूप पॉलीमर बनता जाता है, तो ऐसी स्पीसीज को अपन पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, तो आप ये जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है उसके एग्जाम्पल में अपन देख रहे थे कि किस तरीके से पॉलीएस्टर का फॉर्मेशन होता है, और ये यहाँ पर अपन ने तीन प्रकार के पॉलीएस्टर देखे हैं। और इन सभी पॉलीएस्टर है उनका जो यूज है वो सभी का वस्त्र उद्योग में होता है, और ये कपड़े बनाने के काम में आते हैं। पॉलीएस्टर के बाद में अपन दूसरा यदि अपन देखें यहाँ पर पॉलीमर के रूप में कंडेंसेशन पॉलीमर, जिसको जो कंडेंसेशन के द्वारा प्राप्त हो रहा है, तो वहां पर दूसरा अपन देखेंगे तो वो है यहां पर पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड्स, पॉलीएमाइड्स का भी वही मतलब है कि इसमें जो एमाइड ग्रुप है उस एमाइड ग्रुप का बार बार रिपीटेशन होता है। और यहाँ पर अपन जानते हैं C डबल बॉन्ड OH प्लस यहाँ पर NH2, यदि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ से H2O निकल करके यहाँ पर CO और यहाँ पर NH, तो इस प्रकार से ये जो ग्रुप है ये ग्रुप एमाइड ग्रुप है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि एमाइड का जो फॉर्मेशन है, एमाइड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है, एक डेरिवेटिव है। तो एमाइड है वैसे भी जनरली अपन किसके द्वारा बनाते हैं, जब कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी रिएक्शन यदि अपन अमोनिया या अमोनिया की डेरिवेटिव से करवाते हैं तो अपने को एमाइड प्राप्त होता है। और पॉलीएमाइड अपन उसको ऐसे कहेंगे कि ऐसे पॉलीमर जिनके अंदर जो एमाइड ग्रुप है CONH ग्रुप है, यदि उस CONH ग्रुप की बार बार पुनरावृत्ति होती है, बार बार पुनरावृत्ति से कोई पॉलीमर में उस ग्रुप की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है वो, तो ऐसे जो पॉलीमर होते हैं ऐसे पॉलीमर को अपन पॉलीएमाइड्स कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये पॉलीएमाइड्स है वो किस तरीके से बनते हैं, तो अपने दो एग्जाम्पल हैं सिलेबस में, एक है नाइलॉन 6 और दूसरा होता है नाइलॉन 66। ठीक है, तो यहां पर अपन पहले अपन देखते हैं नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 है वो भी एक तरीके का पॉलीएमाइड्स का ही एग्जाम्पल है। तो नाइलॉन 66 में अपन ये देखेंगे कि यहां पर किस तरीके से नाइलॉन 66 में किस प्रकार से जो मोनोमर्स हैं वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा ये नाइलॉन 66 बनाते हैं। तो यहाँ पर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है तो टू डिफरेंट टाइप के यहाँ पर मोनोमर्स होंगे, और टू डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स हैं तो इनकी स्ट्रक्चर से, पॉलीएमाइड्स की स्ट्रक्चर से पता चल रहा है कि एक ऐसा मोनोमर होगा जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह होगा। और आपने पढ़ा है कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के लिए एक कंडीशन होती है कि उसमें कम मिनिमम टू फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। तो जब इसमें कार्बोक्सिलिक समूह होगा तो यहाँ पर एक तो डाई कार्बोक्सिलिक होगा जो मोनोमर की तरह बिहेव करेगा, और दूसरा डाई एमीन NH2 ग्रुप है, तो ये NH2 ग्रुप है ये भी एक डाई एमीन के रूप में रहेगा। तो यहाँ पर जो अपन मोनोमर लेंगे वो मोनोमर एक तो डाइकार्बोक्सिलिक होगा और दूसरा जो मोनोमर है वो डाइएमीन के रूप में होगा। तो इन दोनों मोनोमर हैं, इन दोनों के आपस में रिएक्शन करके अपन पॉलीएमाइड है उसको अपन सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन नाइलॉन 66 में देखेंगे कि यहाँ पर टू टाइप्स के मोनोमर्स काम में लिए जाते हैं। जैसे फर्स्ट जो मोनोमर है वो है CO CH2 और यहाँ पर 4 COOH, इसको अपन बोलते हैं एडीपिक एसिड।
एडिपिक एसिड है वो एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, और उसके साथ ही अपन ये भी देख पा रहे हैं कि जो एडिपिक एसिड है उसमें 6 कार्बन एटम है, ओके। और दूसरा जो मोनोमर लेते हैं वो अपन लेते हैं हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, तो हेक्सा का मतलब यहाँ पर 6 और यहाँ पर डाइएमीन NH2 और NH2 दो एमीन है, और इनकी आप रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर एक छोटे मॉलिक्यूल्स के निष्कासन से यहाँ पर ये इस तरीके से दोनों जो मोनोमर्स हैं वो इस तरीके से यहाँ पर जुड़ जाते हैं, और इस तरीके से जुड़ करके यहाँ पर जो एमाइड ग्रुप है उस एमाइड ग्रुप की यहाँ पर यहाँ इसमें पुनरावृत्ति होती है और एमाइड ग्रुप है उसका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि इसके बाद में ये इसका एक NH2 टर्मिनल है और यहाँ पर एक COH टर्मिनल है। जब आप इसके साथ में दूसरा मोनोमर यदि एडिपिक एसिड आता है तो एडिपिक एसिड इसके NH2 टर्मिनल से रिएक्शन करके आगे पॉलीमर को फॉर्मेशन करता है, और इसके हेक्सामेथिलीन डाइएमीन है वो इसके कार्बोक्सिलिक समूह के साथ में रिएक्शन करके और फिर पॉलीमर को इंक्रीज कर रहा है। तो बार बार फिर ये जो समूह है मतलब NH2 से COH समूह और COH से NH2 समूह, इसके बार बार जुड़ते जाते हैं और पॉलीमराइजेशन की जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यू तब तक चलती रहती है जब तक मोनोमर उपलब्ध होते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यदि अपन N ही यहाँ पर डाइमेथिलीन डाइएमीन ले लें, यहाँ पर हेक्सामेथिलीन डाइएमीन ले लें और यहाँ पर N मोलिक्यूल्स ही अपन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के ले लें, अपन एडीपी एसिड के ले लें, तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि NH2 और COS समूह की बार बार रिएक्शन होने से यहाँ पर इस तरीके से COCH2 4 CONH और CH2 6 और NH, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर नाइलोन 6 बनता है और इसमें यहाँ पर 2NH2O है, वो मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, तो इसको अपन कहेंगे नाइलोन 6-6। नाइलोन 6-6 में देखिए यहाँ पर N है तो ये इसका मतलब क्या है, बहुत सारे अणु हैं और बहुत सारे अणु होंगे तो इसमें बार बार जो एमाइड ग्रुप है उस एमाइड ग्रुप का रिपीटेशन चलता रहेगा और जिसके कारण से यहाँ पर पॉलीमर है उसका फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से अपन नाइलोन 6-6 है उसको अपन सिंथेसाइज कर सकते हैं। दूसरा इसके जैसे नाम में अपन देखते हैं 6-6 है, तो 6-6 का जो रीजन है वो ये है कि यहाँ पर जो दोनों मोनोमर होते हैं उन दोनों मोनोमर्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम हैं वो सेम होते हैं। जैसे आप यहाँ ये मोनोमर देखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 हैं और इस मोनोमर में भी नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 हैं, तो इस कारण से इसको नाइलोन 6-6 भी बोलते हैं। तो नाइलोन 6-6 है वो बहुत ही यूजफुल है, टायर वगैरह बनाने के रूप में काम में आता है, वस्त्र उद्योग में के रूप में अंडरगारमेंट्स वगैरह आदि बनाने में नाइलोन 6-6 है उनका यूज होता है। तो इस तरीके से ये नाइलोन 6 है वो भी एक पॉलीएमाइड्स है उसका एक एग्जांपल है, और वो भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा अपन इसको सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में अपन ये नाइलोन पॉलीएमाइड्स का एक एग्जांपल नाइलोन 6-6, नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे नाइलोन 6 और नाइलोन 6 है वो तो आप जानते हैं कि कैप्रोलैक्टम से बनता है, तो किस तरीके से नाइलोन 6 को अपन सिंथेसाइज करेंगे और किस तरीके से एक और पॉलीएमाइड है उसका अपन संश्लेषण करेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।